अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गूगल से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं। यानी कि जो आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब करते हैं या आपको कहीं कोई जॉब पर्टिकुलर जॉब फाइंड करनी है, तो इससे हवाले से मैं आपको एक टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा जो आप एग्जैक्टली वही चीज़ फाइंड कर पाओगे गूगल पर। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये आपको जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल आप क्लिक कर दो ताकि आपको जितनी भी मेरी वीडियोज़ रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि गूगल से आप कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हो एग्जैक्टली जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं अभी बताता हूँ। सपोज करो कि गूगल पर हम कुछ फाइंड करते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड विद इन्फ्लुएंस पीपल, एक ये बुक है। ठीक है ना, अगर हमें ये एक बुक फाइंड करनी है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि इस फाइल की हमें कुछ टाइप चाहिए, यानी कि हम कौन सी टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इधर इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अगर हमें कोई फाइल टाइप चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल टाइप आपको मैंशन करना है PDF। अगर PDF चाहिए तो आप एज इट इज आपके सामने ये आप उस लाइन के बाद आप ये मैंशन कर दोगे फाइल टाइप कॉलन ये PDF आप मेंशन कर दोगे तो ये आपके सामने जितनी भी PDF हैं ये सारी सारी आप देख रहे हैं कि आपके सामने रिजल्ट जितनी भी गूगल्स की रिजल्ट्स आई हैं वो PDF से रिलेटेड आई हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइल टाइप PDF मेंशन कर दिया। इसी वजह से ये सारी सारी चीज़ें आपके सामने PDF से रिलेटेड आ गई हैं। अगर आप इस पर किसी भी बुक पे या किसी पे लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको उसी PDF पे लेके जाएगा। इसी तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको बिल्कुल पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर ये फाइल टाइप आप नहीं मेंशन करोगे तो आपको वो PDF नहीं दिखाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी दिखा देगा जिस पे सिर्फ कंटेंट होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह आपको अगर PDF नहीं फाइंड करनी कि भाई मुझे कोई डॉक फाइल करनी है तो आप DOC मेंशन कर दे तो DOC से रिलेटेड आपको यहाँ पर आप देख रहे हो DOC से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये चीज़ें हम गूगल पे फाइंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह आपको अगर डॉक नहीं चाहिए तो आप PPT भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई PPT मुझे चाहिए, तो इस तरीके से आपको PPT भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट ट्रिक थी, अब मैं हम सेकंड ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप गूगल पे चले जाओ दोबारा। गूगल को भाई हमें एक चीज़ बोलना है कि एक वर्ड है वो वर्ड होना ही चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड है, सपोज करो स्टूडेंट है या टीचर है, वो वर्ड लाजमी होना ही चाहिए। सपोज करो हाउ टू, अगर मैं एक लाइन हाउ टू मैनेज टाइम, ये मैंने लिख दिया हाउ टू मैनेज टाइम। अब इसमें बहुत सारी रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई जो मेरे काम की नहीं है, पता नहीं कितनी लाखों और पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन ने दे दी है, तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, पता नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन हम गूगल को चाहते हैं कि हमें ऐसा एक वर्ड हो जिसमें मतलब उससे रिलेटेड हम टाइम को किस तरह मैनेज करें, यानी कि एक वर्ड आपको पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है, उसमें आपको क्या करना है कि प्लस का साइन ऐड करना है। प्लस के साइन के साथ अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख लें, टीचर है तो टीचर लिख लें, आप जिस तरह आप लिखना चाहें। ठीक है, प्लस का वर्ड यूज़ करेंगे इसमें, इसका मतलब यही है कि जो स्टूडेंट लाजमी उस सेंटेंस में यानी कि उस वेबसाइट में आपके लिए स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि आपको स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टूडेंट किस तरह टाइम मैनेज कर सकता है। अब ये जितनी भी अभी वेबसाइट्स हैं ये आपको स्टूडेंट से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ही सारी चीज़ें आ गई। अभी आप देख रहे हो कि सिर्फ गूगल ने हमें 35,000 रिजल्ट शो किए, अगर आप स्टूडेंट नहीं लिखोगे या कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं लिखोगे तो वो आपको लाखों में रिजल्ट शो करेगा जो आपके मतलब की नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें जैसे हमने अभी प्लस की बात की, इसी तरह एक माइनस का वर्ड है, जैसे कि हमें एक और लाइन मेंशन करता हूँ, ओरिजिन ऑफ एप्पल, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी ओरिजिन ऑफ एप्पल, एप्पल देखें एक फ्रूट भी है, एप्पल एक कंपनी भी है। अगर मैं कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूं तो फिर मैं किस तरह गूगल को बताऊं? गूगल इस तरह नहीं फाइंड आउट कर पाएगा कि भाई ये एप्पल के बारे में कंफर्म कर रहा है कि ये कंपनी के बारे में कंफर्म कर रहा है। तो हम गूगल को किस तरह बताएं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी इसमें एप्पल के बारे में बता दो, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम माइनस ऐड करके फ्रूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी आप उसके हिसाब से आप देख लो। तो आप ये देख लें कि जैसे मैंने माइनस में फ्रूट कर दिया, जैसे मतलब फ्रूट को मैंने उस लिंक से यानी कि उसकी हिस्ट्री से ही निकाल दिया, तो आप देख रहे हो अभी कंपनी के हिसाब से, या आप देख रहे हो एप्पल का लोगो, तो अभी ये सारी चीज़ें हमें कंपनी के हवाले से ही बताएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कोई भी हमें एप्पल के फ्रूट के हवाले से वो चीज़ें नहीं बताएगा। तो हम तीसरे ट्रिप पर चलते हैं। ठीक है, इस वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा एक मोटिवेट बढ़ता रहेगा ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। गूगल पे आते हैं,
तीसरी चीज़ हम आपको शेयर करते हैं, सपोज करो आप स्टूडेंट हैं या बहुत सारी चीज़ें, ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद मेरे लिए ट्रिक्स थी और मैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था। तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लाइन अगर सर्च करनी है तो आप गूगल पे किस तरह सर्च करोगे, जैसे कि आपको सपोज करो सर्च करना है यू हैव टू ड्रीम दे कम ट्रू, अगर ये लाइन आपको एग्जैक्टली अगर लाइन सर्च करनी है तो आप क्या करोगे, इसको कोटेशन में, ये कोटेशन है दोनों तरफ से, अगर आप कोटेशन लगा दोगे तो ये क्या करेगा गूगल कि ये एग्जैक्ट लाइन जिस जिस वेबसाइट पे अवेलेबल है वो एग्जैक्ट लाइन आपके सामने शो कर देगा बजाय किसी और के, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं कि अगर मैंने ये लाइन लिखी उसके हिसाब से मुझे इन्होंने पता नहीं कितनी रिजल्ट यहाँ पर शो कर दिया, अगर मैं इसके साथ एग्जैक्ट लाइन यहाँ पर कोटेशन मार्क दे देता हूँ तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। अभी ये देखना सिर्फ 1840, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन काम की है, यानी कि बिल्कुल ये लाइन किस किस वेबसाइट पे अवेलेबल है एज इट इज लाइन, ये आप देखें जो मैंने सेंटेंस लिखा है गूगल पे यहाँ पर वो एज इट इज लाइन मुझे ये सर्च करके यहाँ पर दिखा दिया। इसी तरह आप सपोज करो कोई MCQs आते हैं या आपको कोई क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आप एज इट इज वो लाइन कॉपी करके गूगल पे इन कोटेशन मार्क के बिटवीन अगर लग रख दोगे तो आपको एज इट इज वो चीज़ सर्च कर देगा अगर गूगल पे अवेलेबल होगी तो, ठीक है। तो वो अभी देखो जैसे कि मैंने कोई अभी जॉब मुझे फाइंड करनी है, सपोज करो कि वेब डेवलपर इन जर्मनी, तो पता नहीं कितनी रिजल्ट मुझे शो कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वेब डेवलपर तो होगा, इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन होगी जो मेरे मतलब की नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई सिर्फ वेब डेवलपर का वर्ड शो करे जर्मनी में, मैंने क्या कर दिया कोटेशन मार्क। अब देखिए आप देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ही कम इसने शो कर दिया। अब ये वेब डेवलपर जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उसमें वेब डेवलपर होगा ही होगा, आप ये देख रहे हैं वेब डेवलपर बोल्ड कर दिया इसने, वेब डेवलपर। तो इसी तरह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसी तरह अगर आपको कोई जॉब पोजीशन फाइंड करनी है तो भाई जॉब यूट्यूब एनालाइट्स जॉब्स, बिल्कुल आप ये चीज़ें करके अपनी जॉब पर्टिकुलर जॉब भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये चीज़ें होंगी ये देखें कीवर्ड वही फॉन्ट फाइंड हो गया, ये इसको कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो आपको कोटेशन के बीच में आप एज इट इज फाइंड करना चाहते हैं ये आपके लिए फायदेमंद है। तो हम चौथी चीज़ पे स्टार्ट करते हैं कि अभी हमें एक चीज़ और मैं टिप्स और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अभी गूगल पे आते हैं, अभी हमें सपोज करो किसी कंपनी की एक ईमेल एड्रेस फाइंड करनी हो, सपोज करो मैं किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ वेब डेवलपर कंपनी में मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, वेब डेवलपर और उससे रिलेटेड कंपनीज में, ठीक है, इन जर्मनी, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने सर्च किया इसको, मैंने ये वेब डेवलपर होना ही चाहिए, उसको मैंने कोटेशन मार्क में रख दिया, ठीक है, इन जर्मनी। उसके साथ मुझे क्या चाहिए कि उस कंपनीज का मुझे अगर ईमेल एड्रेस चाहिए, जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लस का मतलब ये है कि उसमें ये चीज़ लाजमी हमें होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तो इसके साथ हमें ये भी चीज़ चाहिए ईमेल, यानी कि प्लस का वर्ड आपने डाल दिया कि इस कंपनी से ईमेल से रिलेटेड चीज़ दिखा दो। तो अब ये क्या करेगा कि आपको उससे जहाँ पर ये ईमेल्स की इन्फॉर्मेशन होगी वो ईमेल्स की आपको चीज़ें दिखा देगा, उस कंपनी से रिलेटेड जो कॉन्टेक्ट अस उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पर वो दिखा देगा, यानी कि प्लस ईमेल डालने का आपको ये फ़ायदा है। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक अभी ये है कि गूगल पे कभी कभी हमारा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं और कुछ वर्ड्स याद नहीं आ रहे। सपोज करो हमें कोई सॉन्ग है या कुछ भी, हमें कोई मूवी एक स्क्रिप्ट याद आ रही है लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उसमें बीच बीच में वर्ड्स कौन से हैं, एक दो वर्ड्स हमें याद आ रहे हैं पूरी लाइन से लाइन में और हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि भाई सपोज करो कि एक सॉन्ग है मेरे रक्षे कमर, जो सपोज करो कि मेरे मुझे ये वर्ड पता है लेकिन मुझे बीच का वर्ड सपोज करो पता नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा मेरे रक्षे, तो इसकी जगह पे मैं ये कमर डाल दूंगा, यानी कि आपको बीच में कोई वर्ड नहीं पता तो आपको यहाँ पर आप डाल सकते हो कि, यानी कि कोई दो तीन वर्ड्स आप डाल के बीच में स्टडी छोड़ सकते हो कि कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं और कुछ वर्ड्स याद नहीं आ रहे, तो वो सॉन्ग कौन सा है, तो वो आपको एज इट इज वो सॉन्ग आपके सामने वो डिस्प्ले कर देगा, यानी कि वो आपको फाइंड करके वही रिजल्ट शो कर देगा। तो स्टडी का ये फायदा है कि भाई बीच बीच में हमें कुछ वर्ड्स पता नहीं है लेकिन हमें गूगल को उसके बीच में कौन कौन से वर्ड्स गूगल की हिस्ट्री में सेव हैं वो उस आपको सामने लेके आ जाएगा, जैसे कि मेरे रक्षे का इसने एक स्टेट मैंने डाला तो वो उसके सामने वो रिजल्ट उसने शो कर दिया, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी वेबसाइट होती है उससे रिलेटेड कुछ वेबसाइट जानना चाहते हैं। सपोज करो कोई हमें जैसे कि मुझे अमेजोन से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं हमें मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैंने अमेजोन डॉट कॉम लिखा, यानी कि मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगती है, इससे रिलेटेड वेबसाइट्स और कौन कौन सी अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड जो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो उससे मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे कि अमेजोन डॉट कॉम मैंने लिखा, सामने मैं एक रिलेटेड का कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। रिलेटेड का कीवर्ड है, उसके सामने आप ये कॉलन डाल के इससे रिलेटेड आप जितनी भी अमेजोन डॉट कॉम शॉपिंग साइट है उससे रिलेटेड जो वेबसाइट है, यानी कि उसके अपने स्पॉन्सर हैं, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं कि ये अमेजोन, ये फंडर डॉट कॉम हो गया, अपार्टमेंट मेन थ्रॉपी, या ये जितनी भी साइट हैं ये आपको अमेजोन से रिलेटेड साइट्स हैं, ये आपको उधर शो कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर अमेजोन से रिलेटेड अगर और भी आपको चीज सर्च करनी है, यानी कि कोई साइट सर्च करनी है, इसी तरह आप साइट भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई जैसे समा समा टीवी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो इसी तरह मैं रिलेटेड लिख के इसी तरह वो सर्च कर सकता हूँ। या यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यूट्यूब डॉट कॉम, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। या आप यहाँ पर साइट भी लिख सकते हो, साइट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की टिप्स और ट्रिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और काइंडली इस वीडियो को शेयर करो, लाइक ज़रूर करना ताकि मेरे लिए एक अच्छा एक बेनिफिट हो, ताकि मैं आपको लिए ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा काइंडली। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।